हमारे बगल में बैठे अंकल जी, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई प्रवीण जी और तमाम इस हमारे सामाजिक जो कार्यक्रम है उसमें शरीक हो रहे तमाम हमारे बड़े भाई और माताएं बहनें जो हमारी बातों को सुन रही हैं, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि बड़े दिनों बाद हम इस कार्यक्रम को लेकर के देश के तमाम कोने कोने तक पहुंच रहे थे। दिल्ली के एनसीआर के लगभग नजदीक एक दो तीन किलोमीटर में ही आज सुनने को मिल रहा है कि यहां पर हमने कभी इस बिरादरी के इस संगठन की कभी मीटिंग नहीं हुई थी। इस बात को सुनकर के बड़ा थोड़ा सा तकलीफ हुई, लेकिन वक्त आया कि आप लोग इकट्ठा हुए और इस कार्यक्रम को भी अंजाम देना चालू कर दिया, समाज को आपने इकट्ठा करना चालू कर दिया। ये जब सामाजिक संगठन अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा बनी थी, हम इसको लेकर के जब तमाम गांव में चले तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों आए हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि आने वाले दिनों में ये चुनाव में आएंगे, वोट मांगने आएंगे। हमने कहा नहीं भैया, ऐसा हम सोच नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपके बीच से कोई हमारा भाई हमारा बंधु चुनाव में आता है, हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसको उस मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिस मंजिल पर वो पहुंचना चाहता है। लेकिन हमारे संगठन का कोई भी पदाधिकारी फिलहाल चुनाव के मूड में नहीं है और हम कभी चुनाव के लिए आपके बीच में नहीं आएंगे। उसके बावजूद अगर कोई हमारे संगठन का कार्यकर्ता आकर के आपसे कहता है कि हम चुनाव के लिए आपसे आए वोट मांगने आए हैं, तो हम आपको यहीं पर कह के जा रहे हैं आप वोट मत देना। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम संगठन की तमाम समस्याएं हैं। हिम्मत नहीं रखी थी कि उस अपनी बात को हम रखें। जब जाट आंदोलन की बात आगे बढ़ी, लोकसभा के अंदर उस बात को रखा गया, तो उसके बाद हमारे देश के तमाम नेताओं जो हमारी बिरादरी के थे, उन्होंने भी हमारी बात लोकसभा के अंदर रखी, छोटी सी रखी, जब भी मौका मिला रखा। हमें आशाएं हैं कि हम अपने देश के लोगों के लिए जो देश की सीमा पर जाकर के लड़ाई लड़ते हैं, उसमें तमाम हमारे देश के हमारे यादव बंधु होते हैं, वो अपनी शहादत देते हैं, अपनी जिंदगियां कुर्बान करते हैं। तमाम वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनकी माँ बाप का साया भारतीय सेना में होकर के हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे उनके ऊपर क्या गुजरती है। विधवा महिलाएं, उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनकी आत्मा पर क्या गुजरती है, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। हमारे तमाम सैनिक शहीद होते हैं, हम तमाम हमारा ग्रुप है उसमें हम लिखते रहते हैं कब कौन शहीद हुआ, कहीं कश्मीर में शहीद होते हैं, कहीं पुल सेक्टर में शहीद होते हैं, कहीं और क्षेत्रों में शहीद होते हैं। जब भी आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में आता है कि वहां पर एक आतंकवादी हमला हुआ और उस हमले में इतने लोग शहीद हुए। भाइयों, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कम से कम 15-20% हमारे यादव बिरादरी के लोग होते हैं। इस बात से आप वाकिफ हैं कि हमारे बिरादरी एक क्षत्रिय कौम रही है, मार्शल कौम रही है और तमाम लड़ाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जब भी कोई हमारे देश के ऊपर ऐसा आतंकवादी मंडराया हुआ है, कुछ ऐसे समस्याएं आई हैं, तब हमारे बिरादरी के लोगों ने कभी पीछे पैर नहीं खींचा, इन्होंने डट करके मुकाबला करा। रही बात